आज फिर मैं व्रत की दो रेसिपीज लेकर आई हूँ, बहुत ही हेल्दी हैं, जो खाने में आपको डाइजेस्ट करने में आसान होगी और स्वादिष्ट भी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैंने लिए हैं सवा चावल, यहाँ लिए हैं 1 कप, और इसे अच्छी तरह से मैं धो लूँगी और उसके बाद इसे लगभग आधा घंटे के लिए भिगो के छोड़ दूंगी। हो सके तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक करके रखेंगे तो इसके ज़्यादा फायदे होंगे, लेकिन अगर जल्दी में हैं तो आप कम से कम आधा घंटा इसे भिगो के रख दीजिए। उसके बाद हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे देसी घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो डाल देंगे जीरा। अगर आपको जीरा पसंद है तो आप जीरे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जीरे को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च काट ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर भी डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भुना जीरा पाउडर इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। डाल देंगे इसमें सवा के चावल जो हमने भिगो के रखे हैं। मेरे आपको ब्राउन दिख रहे हैं क्योंकि ये अनपॉलिश्ड हैं। जो व्हाइट वाले होते हैं उसके ऊपर से हस्क निकला होता है और वो पॉलिश्ड होते हैं। ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो मैंने ये लिए हैं, और इसे हम अब थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक इसमें थोड़ा पानी था तो हमने इसे हाई फ्लेम पे रोस्ट किया है, और पानी जब इसका सूख जाए तो फ्लेम को लो करके या मीडियम करके लगातार चलाते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधे नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसे कर देंगे मिक्स। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी अपने डबल डालना है, जितना भी आपका समा के चावल है या मिलेट है उससे दुगना डालना है। तो यहाँ मैंने 2 कप डाले हैं क्योंकि मेरे समा के चावल जो थे वो 1 कप थे। अच्छी तरह से इसे कर देंगे मिक्स और हम इसे ढककर पकाएंगे। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, केवल 10 मिनट लगते हैं इसे पकने में। यहाँ मैंने इसे ढक दिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बीच में एक बार हिला देंगे, बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद फिर से इसे ढककर लो से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। हमें केवल इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी सारा सूख नहीं जाता, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं जैसे कि मैंने आपसे बताया। तो लीजिए हमारे देखिए सवा के चावल बिल्कुल बनकर तैयार है, पानी सारा सूख गया है। एक बार इसे कर देंगे मिक्स इस तरह से और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। तो ये बहुत अच्छे से अलग अलग हो जाते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तब तक बना लेते हैं कढ़ी, और उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब घी, और घी गर्म हो जाए तो डाल देंगे जीरा 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। डालेंगे घिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक डाला है मैंने, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने लंबाई में काटी हैं, और थोड़ा सा करी पत्ता। मैंने यहाँ सूखा करी पत्ता इस्तेमाल किया है, आपके पास हरा हो फ्रेश हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। अब इन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे, लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, और डाल देंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, और थोड़ी सी मैं फ्रेश पीसी हुई हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और डाल देंगे इसमें पिसा हुआ भुना हुआ मूंगफली का पाउडर। मैंने दरदरा पिसा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, या पानी डाल के पेस्ट बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को पीसने से पहले ड्राई रोस्ट जरूर कर लें, ऐसा करने से जब हम इसे कढ़ी बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये भुन जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाल देंगे थोड़ी सी हींग, यहाँ मैंने 1 टीस्पून के करीब हींग डाल दी है, और इसे भी अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, जब मूंगफली भुन रही है, तब तक हम दही को फेंट लेंगे। हमने इसकी कढ़ी बनानी है तो हमें चाहिए दही, और दही को हम पतला करेंगे पानी डालकर।
आप चाहें तो लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सर में चर्न कर सकते हैं, और या मेरी तरह इसी तरह से हाथों से भी कर सकते हैं। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, इसे पतला करूंगी क्योंकि हमने इससे कढ़ी बनानी है। आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी व्रत का आटा भी 1 या 2 टीस्पून या टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी तरह से इसे बना रही हूँ। और दही जो लें वो खट्टा लें तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ मेरे को दही जो है थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा 2 सर्विंग स्पून और ले ले रही हूँ, और इसे भी फेंट लूँगी, और उसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। दही अगर आपका खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी में अमचूर घोल के कढ़ी में डाल दीजिए, तो खटास बढ़ जाएगी। अगर खट्टा है तो अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने पानी भी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसे फिर से चर्न कर लिया है। तो देखिए हमारी लस्सी बनकर तैयार है। और अब हम देख लेते हैं हमारी मूंगफली जो हमने भुनने के लिए रखी थी। तो यहाँ मूंगफली भी हमारी भुन चुकी है, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, और क्योंकि इसे हमने पहले ही रोस्ट कर रखा है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, अंदाजे से थोड़ा सा ही डालना है, और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ऐसा करने से मूंगफली का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे बहुत ड्राई नहीं करना है, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी। उसके बाद हम डाल देंगे लस्सी जो हमने बनाई है दही से, और इसे लगातार हिलाते रहना है हाई फ्लेम पे जब तक कि इसमें एक उबाला ना आ जाए। लगातार हिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दही हमारा फट सकता है। जब एक उबाला आ जाए तो हम फ्लेम को लो या मीडियम पे करके इसे थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे, पानी को या लस्सी को जो हमने डाली है। इससे हमारी जो कढ़ी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मूंगफली पानी सोखती है और जब पक जाएगी तो उसके बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी ठंडा होने पे। तो लगातार इसे इसी तरह से हम लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि कढ़ी थिक ना हो जाए थोड़ी सी, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। लास्ट में जब हमारी कढ़ी बन जाएगी तब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और सेंधा नमक यहाँ डालेंगे क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं, और कर देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ी देर पकने के बाद गैस कर देंगे बंद, और गार्निश करेंगे इसे कटे हरे धनिए के साथ, और कर देंगे मिक्स। तो लीजिए हमारी स्वादिष्ट सी व्रत वाली मूंगफली की कढ़ी भी बन के तैयार है, और इसे अब हम कर लेंगे सर्व। तो देखिए हमने बनाया है कढ़ी चावल, वो भी व्रत के लिए। इसे बनाना भी बेहद आसान है, और खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, और साथ ही साथ हेल्दी भी है। हमने बहुत ज़्यादा फ्राई करके कुछ नहीं बनाया है। व्रत में हमें हल्का ही खाना चाहिए, और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। तो लीजिए हमारी कढ़ी जो है वो बनकर तैयार है। अब देख लेते हैं चावल, और चावलों को थोड़ा सा हिला देंगे, और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और दाना दाना बने हैं। केवल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं समा के चावल। अब इन्हें भी हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। और आने वाले टाइम पे भी मैं कोशिश करूँगी कि व्रत की कुछ ऐसी ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें एक बिल्कुल भी फ्राइड कुछ ना हो, बहुत ही कम या घी या तेल में बनकर तैयार होने वाली रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और लीजिए हमारे कढ़ी चावल स्वादिष्ट से बनकर तैयार हैं। हो सके तो आप भी व्रत में इसी तरह से हल्का फुल्का हेल्दी बना के खाइए। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी में।